जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुमार अमर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कला वर्ग तृतीय वर्ष जो है हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र। जैसा कि साथियों पूर्व की जो कक्षा है उसमें अपन ने अब तक देखा कि जो अपने प्रथम प्रश्न पत्र में जो कि आधुनिक काव्य जुड़ा हुआ है उसके जो महत्वपूर्ण कवियों की जो अपने काव्य रचनाएं पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं उन सब पाठों की अपने महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं हैं परीक्षा के नज़रिए से जो आएंगी उन व्याख्याओं का अध्ययन किया। लेकिन अब मैं आज से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अपनी जो परीक्षा होगी प्रथम प्रश्न पत्र की उस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है व्याख्या के साथ साथ जो है साथियों प्रश्न भी आने वाले हैं। तो परीक्षा के नज़रिए से यदि हम प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो बस वही बातें अब मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूं। तो आज मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं, आपसे चर्चा करने वाला हूं जो हमारा पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, उसकी व्याख्या हमने देखी। और आज हम बात करेंगे कि उनका जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है खड़ी बोली हिंदी का जिसे पहला महाकाव्य माना जाता है तो उस महाकाव्य के कुछ अंश अपने पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। तो अब हम पठित अंश के आधार पर हरिओध जी जो हैं अपन ने जो अंश उनका पढ़ा अपने पाठ्यक्रम में संकलित जो है उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पाठ से उसके ऊपर आज हम लोग क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं जिसके परीक्षा में पूरे पूरे आने के चांस हैं। वैसे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंत के कुछ जो पाठ हैं उनमें तो मैंने व्याख्या के साथ साथ जो पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी करवा दिया लेकिन कुछ पाठ ऐसे हैं जिनकी केवल मैंने व्याख्याएँ करवाई है महत्वपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह गए। तो वो श्रृंखला अब शुरू हो चुकी है और ज्यों ही बचे हुए पाठों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बेहद खास होंगे साथियों। तो आइए आखिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का वह कौन सा प्रश्न है जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो है आपके सपनों को साकार करने वाला एकमात्र पूरे भारत का उत्कृष्ट महाविद्यालय बानसूर पीजी महाविद्यालय जो कि आपके जीवन को रोशन करने वाला है। तो देखिए साथियों प्रश्न हम देखते हैं ये हैं हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जीवनी आप लोग देख सकते हैं 15 अप्रैल 1865 को जन्म हुआ और 16 मार्च 1947 को इनका देहांत हो गया। ठीक है साथियों हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म वही मैंने बताया 65 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद नामक स्थान में। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके और सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1947 ईस्वी में निज़ामाबाद में उनका क्या हो गया देहांत हो गया साथियों। ओके तो अब आइए हम जानते हैं जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि इनका जो महाकाव्य प्रिय प्रवास उसके कुछ अंश जो हैं यहाँ पे अपने जोड़े गए हैं उसी के आधार पर हम देखते हैं कि प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के लिहाज से बेहद खास है। तो देखिए साथियों ये प्रश्न है ये तो परीक्षा की दृष्टि से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो पाठ है अपना उसका महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के काव्य की शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रिय प्रवास की राधा का क्या कीजिए चरित्र चित्रण कीजिए। जैसा कि साथियों मैं आपको बताऊं इस महाकाव्य में कृष्ण के जीवन से संबंधित पूरा वर्णन है और अपने जो अंश मुख्यतः जोड़ा गया है उस अंश में उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण जो हैं ब्रज छोड़ करके और अपने ननिहाल मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं लौटते हैं तो वहाँ पर यानी ब्रजवासियों की हालात उनके चले जाने के कारण
विरह के कारण, दुख के कारण, जो है विछुड़न के कारण उनकी जो हालात दयनीय हो जाती है, उसी का यहाँ पे कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है साथियों। ओके, तो अब देखिए काव्य की विशेषता, चाहे कोई भी कवि हो उसकी काव्य की दो तरह की विशेषता होती हैं साथियों। काव्यगत जो विशेषताएँ दो तरह की होती हैं, एक तो होती है भावगत विशेषता, और भावगत विशेषताओं में तो उस का जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि कवि ने अपनी जो कविताएं, अपनी जो रचनाएं रची हैं, आखिर उसमें उसने किस विषय वस्तु का, किस भाव का वर्णन किया गया है, किससे संबंधित उसकी रचना है। मान लीजिए हम किसी कवि की या रचनाकार की रचना पढ़ते हैं और वो रचना मान लीजिए उसमें आतंकवाद विषय है, उस रचना की जो विषय वस्तु है वो आतंकवाद है, तो साथियों उस विषय को चुन करके कवि के मन में कल्पनाएं और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और उन भावनाओं के आधार पर ही वह अपने उस काव्य रचना की रचना करता है। तो बस वही भावगत विशेषताएं होती हैं कि किस भाव का वर्णन किया गया है। दूसरी बात करें तो शिल्पगत विशेषता, और शिल्पगत विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे कलागत विशेषता भी कह सकते हैं साथियों, ठीक है। तो शिल्पगत जो विशेषताएँ हैं उसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है कि उस कवि ने जो अपने भाव उस विषय वस्तु के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं उसमें उन्होंने किन किन व्याकरणिक बातों का ध्यान रखा है, कौन सा रस उसने प्रयुक्त किया है, उसकी भाषा शैली क्या रही है, अलंकार क्या रहे हैं, इन सब का जो है प्रयोग जो है वो शिल्पगत के अंतर्गत आता है, या माने कि हम शिल्पगत विशेषता जो व्याकरणिक जो बातें होती हैं उनका किन किन का प्रयोग किया गया है काव्य रचना में, वो उसकी शिल्पगत विशेषता होती है। तो आइए साथियों हम जो है विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओत जी हैं उनके शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे, और साथ ही साथ प्रिय प्रवास की जो नायिका हैं राधा उनके चरित्र का चित्रण भी करेंगे। तो इस प्रश्न में हम दो प्रश्न भी देख सकते हैं, इनको अलग अलग भी पूछ सकता है कि हरिओत जी के काव्य की शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन, एक तो ये प्रश्न, और दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि प्रिय प्रवास की नायिका राधा के चरित्र का चित्रण कीजिए, वर्णन कीजिए, ये अलग प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे, अलग अलग भी, लेकिन मैंने इन दोनों को सामूहिक एक साथ कर दिया, तो अब एक साथ इनका हम क्या देखेंगे, उत्तर देखेंगे। तो आइए साथियों सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसके ऊपर, जो हरिओत जी के काव्य की शिल्पगत विशेषता है उनके ऊपर, ठीक है। तो देखिए साथियों बात करते हैं हम यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की काव्य की शिल्पगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए पहली विशेषता है भाषा सौंदर्य, यानी मुख्यतः हरिओत जी ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, और अपने पास तो यहाँ पे उनकी भाषा का विश्लेषण करने का जो मूल आधार है वो प्रिय प्रवास है, क्योंकि ये अपने पाठ्यक्रम में संकलित है, जोड़ा गया है, तो इसके आधार पर हम उनके काव्य की भाषा की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से उनकी भाषागत विशेषता जो सौंदर्य है उसका हम बखान कर सकते हैं। हरिओत जी का जो अंश पाठ्य पुस्तक में संकलित है वह प्रिय प्रवास से लिया गया है, ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग, जिसकी भाषा मुख्यतः तत्सम शब्दावली से युक्त है, यानी बात ये स्पष्ट हो गई है कि प्रिय प्रवास के आधार पर हम कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की जो भाषा है वो मुख्यतः तत्सम शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ है, किंतु इसमें बोलचाल की भाषा का भी समावेश देखने को मिलता है, जहाँ कवि ने रूपोधान, ये साथियों ये ध्यान ये नहीं आएगा, ये रूपोधान है केवल, प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु जैसी संस्कृत गर्भित और सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, वहीं हरिओत जी ने अपने काव्य में सरल सुबोध समा सरल सुबोध ये समास विहीन है साथियों, समाज सिंह नहीं है ये समाज विहीन है, समास विहीन, जहाँ देखा कि ऊपर तो सामासिक शब्दावली लेकिन फिर उन्होंने अपने काव्य में सरल सुबोध समास विहीन और बोलचाल की भाषा का भी क्या किया है, प्रयोग किया है, कवि ने बीच बीच में कुछ देश शब्दों को भी काम में लिया है,
जैसे न्यारा पेटी का लूटना पहने आदि सब। तो हम आकलन कर सकते हैं कि जहाँ एक और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो भाषा रही वो मुख्यतः तत्सम शब्दावली से युक्त यानी संस्कृत निष्ठ रही है, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है साथियों। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में जहाँ लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग किया है, तो वहीं जो है एक तरफ समास विहीन जो है सरल भाषा का भी, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, तो कहीं कहीं जो है देशज शब्दों का भी उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में क्या किया है, प्रयोग किया है साथियों। तो ये थी भाषागत विशेषताएँ। अब बात करते हैं शैली की, यानी उनकी काव्य की शैली कैसी रही है। तो देखिए साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने अपने काव्य में विविध काव्य शैलियों का प्रयोग किया। महाकाव्य शैली में तो उन्होंने प्रिय प्रवास लिखा और वैदेही वनवास जैसे काव्य, तो बात करें चुपते चोपते और चोखे चोपते मुक्तक शैली में लिखा गया, यानी बात करें कि उन्होंने महाकाव्य शैली का भी प्रयोग किया और महाकाव्य शैली का जो नमूना है उनका, वो उत्कृष्ट जो नमूना है वो उनकी काव्य रचना महाकाव्य प्रिय प्रवास और हम वैदेही वनवास को इस श्रेणी का काव्य रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बात करें मुक्तक शैली में उनके द्वारा लिखा गया चुपते चोपते और चोखे चोपते, ये इस मुक्तक शैली में लिखी गई काव्य रचना है। इस इन दो शैलियों के अतिरिक्त भी उन्होंने वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली और लाक्षणिक शैली का प्रयोग भी अपनी काव्य रचनाओं में किया है साथियों। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने अपनी काव्य रचनाओं में महाकाव्य, मुक्तक शैली, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक और लाक्षणिक शैली का जो प्रयोग है वो किया है। तो ये थी उनकी शैली सौंदर्यगत विशेषता या उनके काव्य की शैलीगत विशेषता। आगे हम बात करते हैं अलंकार सौंदर्य, यानी उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में मुख्यतः किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ये हरिओम जी नहीं है, हरिओध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, माने आप इसको। ये मोबाइल में तकनीकी खामी की वजह से अपन क्या करते हैं कि बोर्ड के ऊपर जो शब्द लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है तकनीकी आधार पर इसमें और कोई शब्द जो है प्रिंट हो जाता है। तो हरिओ जी ने अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने अलंकारों को कविता में थोपा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं प्रयोग किया, बल्कि वो उसमें विषय वस्तु के अनुरूप जो है स्वतः ही आते चले गए। उनकी भाषा में आनुप्रासिकता की विशिष्ट छटा देखने को मिलती है। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक, संदेश, स्मरण, प्रतीक, परिकर, विषम, दृष्टांत, निदर्शन आदि अलंकारों के द्वारा कवि ने अपने मने बाहों की सजीव एवं मार्मिक मूर्तियां अंकित की हैं। यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि हरिओध जी ने अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग किया और वो अलंकार भी जो है वो स्वतः आए, उन्होंने थोपा नहीं, ज़बरदस्ती प्रयोग नहीं किया। और यदि अलंकारों की बात करें तो उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक, संदेश, स्मरण, प्रतीक, विषम, प्रेकर, दृष्टांत, निदर्शना आदि अलंकारों का जो प्रयोग है बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने किया है। ठीक है साथियों, तो ये हो गई अलंकार से संबंधित उनकी विशेषता कि उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं छंद योजना की, यानी उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में मुख्यतः किन किन छंदों का प्रयोग किया है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने प्रिय प्रवास में संस्कृत के परंपरागत वर्ण वर्तों का प्रयोग किया। उस समय तक खड़ी बोली हिंदी में तुकांत या भिन्न तुकांत नवीन छंदों का प्रयोग होने लगा था। साथियों मैं आपको बताऊं कि प्रिय प्रवास की जब उन्होंने रचना की तो संस्कृत के जो छंद थे ना इस समय तक छोड़ दिए गए थे और रचनाकारों ने नए छंदों का प्रयोग जो है अपनी काव्य रचनाओं में करना शुरू कर दिया था। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने अपने प्रिय प्रवास में संस्कृत के ही उन परंपरागत छंदों का क्या किया है, प्रयोग किया है। छंद है साथियों वही तकनीकी खामी। छंद खंड काव्य या मुक्तकों में ही अपनाए जाते रहे थे। महाकाव्य की रचना के लिए उस समय कोई ऐसी व्यवस्था सर्वमान्य नहीं थी। हम तो अब सीधे तौर पे यहाँ पे हरिओ जी की बात करेंगे। हरिओ जी ने अपने समय के कवियों एवं समीक्षकों का विरोध झेलते हुए भी संस्कृत के छंदों का ही को ही मुख्यतः अपनाया। इन्होंने मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, वसंत, तिलका तथा शिखरणी आदि छंदों का जो प्रयोग है बहुलता के साथ अपनी काव्य रचनाओं में
किया है साथियों। तो ये बात भी स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे हरिओम जी ने अपनी काव्य रचनाओं में मुख्यतः संस्कृत के ही जो परंपरागत जो छंद हैं उनका ही क्या किया है, प्रयोग किया है। हालांकि इस प्रयोग के लिए उन्हें अपने समय के कवि और जो समीक्षक हैं उनकी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उस आलोचना की बगैर परवाह किए जो है उन्होंने अधिकता में बहुलता के साथ जो संस्कृत के परंपरागत जो छंद हैं उनका अपनी काव्य रचनाओं में क्या क्या प्रयोग किया है साथियों। ओके, ध्यान रहे प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता देखिए, हरिओम जी के काव्य में यद्यपि प्रतीकात्मकता नहीं दिखाई देती, परंतु कुछ स्थलों पर पात्रों और घटनाओं का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया, जैसे गोवर्धन धारण प्रसन्न को केवल अतिवृष्टि से ब्रजवासियों की रक्षा का प्रतीक बताकर एक मुहावरा मात्र माना है। प्रतीकात्मकता जो है साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हरिओम जी ने प्रतीकों का मुख्यतः अपनी काव्य रचनाओं में प्रयोग नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं जो है उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी बात कहने की क्या की कोशिश की है। तो साथियों, ये तो थी हरिओम जी की काव्य की शिल्पगत विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि उनका प्रमुख जो महाकाव्य है और उस महाकाव्य का जो अंश अपने काव्य अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, उसके आधार पर जो उसकी नायिका है राधा, उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे सम्मुख उस महाकाव्य को पढ़कर या संकलित अंश को पढ़कर हमारे समक्ष प्रकट होती हैं। तो देखिए, प्रिय प्रवास में हरिओम जी ने राधा को एक आदर्श नायिका के रूप में चित्रित किया है तथा उसके चरित्र में नवीनता एवं मौलिकता का समावेश करने का पूरा ध्यान रखा है। इस आधार पर प्रिय प्रवास की राधा का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक है साथियों, अब देखिए हम यहाँ पे राधा का जो चरित्र चित्रण है, प्रिय प्रवास की जो राधा है उसके चरित्र चित्रण को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर एक, आदर्श प्रेमिका, यानी हम कह सकते हैं कि रचनाकार जो कवि हरिओम जी हैं उन्होंने प्रिय प्रवास में राधा को एक आदर्श नायिका या आदर्श प्रेमिका के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है। तो देखिए, जहाँ रीतिकाल कवियों ने राधा को एकमात्र विलास एवं वासना की कठपुतली चित्रित किया है, तो वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में राधा को एक विचारशील सुंदरी एवं आदर्श प्रेमिका के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है। साथियों, जहाँ पर रीतिकाल के कवियों ने राधा और कृष्ण के संयोग श्रृंगार से युक्त रचनाओं में जहाँ राधा को विलासिता से युक्त जो नायिका के रूप में चित्रित किया है, वहीं पर इसके विपरीत जो है उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास में राधा को एक विचारशील सुंदर स्त्री सुंदरी के रूप में वह आदर्श प्रेमिका के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है। तथा राधा के आदर्श प्रेमिका होने का प्रमाण हम इस बात से लगाया सकते हैं कि जब वह पवन को संदेश देती हुई कहती है कि प्रीतम कृष्ण अपने कार्य में व्यस्त होंगे तो उनकी चरण रजी मेरे व्यथित चित्त को शांत करने के लिए पर्याप्त रहेगी, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। यानी पवन को वो अपना संदेश सुनाती है कि हे पवन, तू सभी दिशाओं में सभी जगह जाती है, इसलिए तू जो है मेरा संदेश लेके जा, मेरी व्यथा जो है उसका संदेश लेकर मेरे प्रियतम के पास जा और उसके पास जाकर के उसको मेरी सभी व्यथाएं याद दिला और धीरे धीरे जो है ना उसके पास जाकर के उसके पाँव की जो धूल है ना वही लेकर आ, वही लगाकर मैं अपनी विरह व्यथा को क्या कर लूँगी, शांत कर लूँगी। ठीक है साथियों, आगे देखिए मर्यादा पालिका, मर्यादा का पालन करने वाली। जहाँ रीतिकाल कवियों ने राधा को परिवार की रीति नीति तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन करके उन्मुक्त प्रेम पथ पर चलने वाली कामिनी की तरह चित्रित किया, परंतु अयोध्या सिंह ने राधा को अनन्य प्रेमिका होते हुए भी मर्यादा का पालन करने वाली दिखाया है। वह पवन से प्रियतम कृष्ण की मर्यादा तथा श्रेष्ठता का उल्लेख करती है और जग हित के लिए अपने प्रियतम को कर्तव्य निर्वाह से विमुख नहीं करना चाहती, वह पवन से कहती है। यानी साथियों, जहाँ पे रीतिकाल के कवियों ने नायिका राधा को अपने प्रेम में पागल होकर के लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली
वह परिवार की रीति नीतियों का उल्लंघन करने वाली चित्रित किया है। वहीं अयोध्या सिंह जी ने यहाँ पे राधा को अनन्य प्रेमिका तो माना है, लेकिन वह प्रेमिका जो है मर्यादाओं का ख्याल रखने वाली है। देखिए साथियों, बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा नहीं कह सकता बात दुर्व्यर्थता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। ठीक है साथियों, परहित साधी का, परहित यानी दूसरे के हित को साधने वाली, दूसरे के हित की सोचने वाली। तो देखिए महाकाव्य प्रिय प्रवास की राधा को रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने परहित साधिका के रूप में चित्रित किया है। राधा को अपनी विरह व्यथा की उतनी चिंता नहीं जितनी कि ब्रज के गोपी और गोपों की व्याकुलता की चिंता है। इसी प्रकार उसे दीन दुखियों की अधिक चिंता रहती है। वह पवन को दूत बनाकर उससे कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत यानी दुखी कोई भी दिखाओ यानी दिखाए तो जाकर सन्निकट पास जाकर कि उसकी क्लांतियों को, उसके दुखों को क्या कर देना, तुम मिटा देना। तो इस बात से ये बात, ये कथन स्पष्ट हो गया है कि जो नायिका है राधा प्रिय प्रवास की, वो खुद अपने प्रिय की व्यथा से दुखी है, लेकिन अपने दुख को भूलकर उसे दूसरे की दुख की क्या है, चिंता है। वो अपने दुख की परवाह करती है, लेकिन अपने दुख की परवाह में वो दूसरे के दुख को क्या नहीं करती है, भूलती नहीं है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नारी सुलभ कोमलता, ये नारी का एक मुख्य गुण होता है, नारी हृदय से बड़ी ही कोमल होती है। तो ये गुण भी, ये जो भाव है ये राधा में भी चित्रित किया है कवि ने, प्रिय प्रवास की नायिका में भी वर्णित किया है, दिखाया है, प्रकट किया है। प्रिय प्रवास की राधा नारी सुलभ गुणों से युक्त है, साथ ही साथ वह कोमल हृदय वाली भी है और दूसरों के प्रति उसके हृदय में उदारता, दया, सहृदयता का भाव भी भरा हुआ है। यद्यपि खुद प्रियतम की विरह में अत्यंत व्यथित रहती है, स्वयं को प्रेम से वंचित तथा व्याकुल बतलाती है, फिर भी वह विचारशील एवं पतिप्रायण नारी है तथा वह किसी को वेदना नहीं पहुंचाना चाहती, कष्ट दुख नहीं पहुंचाना चाहती है। तो ठीक है साथियों, आगे देखिए भावुकता। प्रिय प्रवास में यद्यपि राधा को नवीन परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक चेतना से युक्त दिखाया गया है, परंतु वह अतिशय भावुक भी बतलाई गई है। पवन संदेश में अतिशय भावुकता में आकर वह प्रीतम की चरण रज को प्राप्त करने में ही अपने जीवन को धन्य मानती है और पवन से कहती है जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, यानी चरणों की रज धूल, पूता होंगी भगनी उनको अंग में मैं लगा के, पवित्र हो जाऊंगी ए भगनी ए बहन उनको मैं अपने शारीरिक अंगों पर लगाकर। यानी पवन को संदेश देते हुए कहती है अपनी बहन मानकर कि हे बहन, यदि तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल भी मुझे लाकर दे देगी ना, तो तू बड़ा पुण्य मिलेगा तुझे और मैं उस धूल को अपने शारीरिक अंगों से लगाकर अपने आप को क्या कर लूँगी, पवित्र कर लूँगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से नायिका की भावुकता का बोध हमें होता है। निष्कर्ष देखिए साथियों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का शिल्पगत बक्स बेहद मजबूत है, जहां उन्होंने अपने काव्य में तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ देशज शब्दों का समावेश भी अपने काव्य में किया, तो अलंकार छंद रस आदि का भी बहुत ही न्यायोचित उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब बात करें प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र चित्रण की, तो रचनाकार ने प्रिय प्रवास की राधा को एक आदर्श प्रेमिका के साथ साथ मर्यादा का पालन करने वाली, ज्ञान संपन्न तथा नीति निपुण नायिका के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है साथियों। तो ये था अपना महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बेहद खास, वैसे इसमें मैंने दो प्रश्नों को सम्मिलित कर दिया है, तो इनको अलग अलग भी आप देख सकते हैं और सामूहिक एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पुनः वापस से जो है एक एक स्लाइड जो है आपको दिखाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है साथियों, शुरू कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लें आप, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ ये।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पाँच सेकंड पर्याप्त होते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप ले लेंगे। मैं आगे चलता हूँ जी। ओके बिल्कुल निश्चय स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है। क्लास भी आपको बेहद पसंद आई होगी और इसी प्रकार से अन्य कक्षाओं का भी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली आगामी कक्षाओं का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। महाविद्यालय एकमात्र ऐसा महाविद्यालय जो कि अपने छात्रों के हित को और अपने ही नहीं बल्कि सभी छात्रों को मद्देनज़र रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमने निरंतर लॉकडाउन लगते ही बच्चों की शिक्षा के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उनका अध्ययन निरंतर सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हमने लॉकडाउन शुरू होते ही ऑनलाइन क्लासों की जो मुहिम है उसको सुचारू रूप से शुरू कर दिया था। जिससे कि असंख्य हजारों बच्चे लाभान्वित हुए हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से बच्चों के हित को मद्देनज़र रखते हुए जो कक्षाएं हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मैं पुनः आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।